मुझे, जाने दो ना मुझे, बताओ मेरे पास। रुक जाओ वरना मैं पहुंच जाऊंगी। वाओ, तो ये है भीमगंज की हवेली। शूट करने में बहुत मजा आएगा। क्यों, कैसी लगी हवेली? अमेजिंग करण, इट्स फैंटास्टिक। डायरेक्टर साहब, अब तो अपनी फिल्म हिट है। जिस फिल्म में तुम हो वो फिल्म तो हिट होगी। अब चित्रा जैसी सुपरस्टार हमारी फिल्म में हो तो फिल्म तो पहले हिट हो जाती है। वो तो है, यू राइट। पता नहीं करण हमेशा चित्रा के साथ ही किचपका रहता है। मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं भी जवान हूँ, पता नहीं इस चित्रा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। आखिर मैं भी इस फिल्म की हीरोइन हूँ। अरे सुनैना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? आओ ना। क्यों, कैसी लगी हवेली? तुम्हारी चॉइस कभी खराब हो सकती है करण, बस कुछ चीजों को छोड़कर। करण अंदर चलते हैं। अरे ये माया कहाँ चली गई? अरे माया, तुम हर बार पीछे कहाँ रह जाती हो? आओ चले। लो, पहुंच गए भीमगंज हवेली। मुझे लगा था कि हवेली सुनसान होगी, लेकिन यहाँ पर तो काफी गाड़ियां हैं। वो देखो, लोग तो शूटिंग का सामान उतार रहे हैं। अरे वाह, हमारे अलावा कोई और भी कर रहा है यहाँ पे आत्माओं की शूटिंग? आत्माओं की नहीं, शायद यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। थैंक गॉड बच गए। मुझे लगा कि दुर्जन ने हमारी जगह किसी और को रख दिया काम से। और बाकी का इसके बारे में देख लेता हूँ, जब भी करेंगे, क्योंकि मुझे आज ही शूटिंग खत्म करनी है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे काफी आलीशान और शानदार हवेली है आपकी। जी, शूटिंग करने में काफी मजा आएगा। जी बिल्कुल, बाहर शूटिंग करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हमारा बंगला बड़े पर्दे पे आएगा। आप चित्रा मैडम है ना? मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी हर एक फिल्म को 20 बार देखा है मैडम। ओह रियली? या प्लीज मैडम, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए मैडम। श्योर, थैंक यू मैम। थैंक यू आपको नहीं, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। इतनी खूबसूरत हवेली में आपने शूट करने की परमिशन जो दी। परमिशन मैंने नहीं मैडम। फिर किसने दी? ये हैं रणविजय साहब, इस हवेली के मालिक।
हेलो हाय, तो आप हैं शानदार हवेली के मालिक? जी, हवेली तो मेरे पूर्वजों की है, अब वो यहाँ नहीं है तो हवेली मेरी हो गई है। तो आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ कुछ जरूरी कागजात साइन करने आया था, लेकिन अगर अब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो सोचता हूँ कुछ दिन रुक जाऊं, इसी बहाने आपकी मूवी की शूटिंग भी देख लूंगा। सो मैडम, कैसी लगी आपको हमारी यह हवेली? बहुत खूबसूरत है जी, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चित्रा की खूबसूरती के सामने आपकी हवेली की खूबसूरती भी फीकी है। प्लीज करण, तुम सब मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हो। देखिए, हम झूठ नहीं बोलते, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। बाय द वे, ये सुनैना है और ये माया। हेलो। हाय। हेलो। आप लोगों के रहने का इंतजाम मैंने करवा दिया है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो बेझिझक कह दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। I'll take your leave. जी, कहिए। हम यहाँ पर शूटिंग करने आए हैं, आपकी इस हवेली पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। अरे वाह, अब हमारी इस हवेली के ऊपर दो दो फिल्में बनेंगी। गुड, वेरी गुड। आप आराम कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। I'll see you later. वाओ चित्रा, आदमियों को कैसे लट्टू बनाना है ये तो कोई तुमसे सीखे। इस तरह आंखें मटकाते हैं जैसे कोई अंधा भी तेरा दीवाना हो जाए। मुझे तो जलने की बदबू आ रही है, कहीं तुम्हारा ही दिल तो नहीं जल रहा? प्लीज, यहाँ पर और लोग भी हैं, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है तो अंदर जाकर करो, यहाँ पे तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। करण, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? खरी कोटी तो मुझे ये सुना रही है। अच्छा, और तुम तो दूध की धुली भी हो ना। अचानक ऐसी हवा क्यों चलने लगी है? अचानक से ये ठंड क्यों लगने लगी है? मेरा शॉल। ये क्या? दरवाजा?
पेंटिंग। तो डर ही गई थी, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस मैं ऐसे ही। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल हमारा शूटिंग का काम अधूरा रह गया था, बस उसे निपटा रहे थे। ओह ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए और मैं सोने जाती हूँ। ओके गुड नाइट। ये डरी हुई सी नहीं लग रही थी? शायद ये हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्या हो सकता है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है? यार इसकी रिसर्च हम कल सुबह करें प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। राघव कम ऑन यार, प्लीज यार। हर्ष ठीक है, सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। कहती हूँ रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कहती हूँ मेरे पास बताओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। कौन हो तुम? देखो मेरे पास बताना। एक्सक्यूज मी, कैसे हैं? बहुत अच्छी। कमाल हो गया, चांद दिन में ही निकला। चांद दिन में? चांद आसमान में है हमारे सामने। ओह खैर,
आप लोग शूटिंग कीजिए, मैं निकल रहा हूँ। क्यों, आप शूटिंग देखने के लिए रुकेंगे नहीं? नहीं, आज मुझे एक जरूरी काम है। मैं यहीं से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। चित्रा मैडम के साथ कुछ लफड़ा चल रहा होगा रणविजय का। चलो। आपकी वो डायरेक्टर नहीं मिल रहा, क्या नाम है उनका? क्या प्लीज दे, चलिए मिलते हैं। हाय हाय, कैसी चल रही है शूटिंग? वेरी गुड गुड। क्या जॉब मिलते हैं। हेलो मिस्टर रणविजय। हाय, आई होप आप लोगों को नींद अच्छी मिली हो। अनजान जगहों में नींद कम ही आती है। राइट, मिलते हैं। See you. सुनैना कहाँ है? सुनैना मैडम, मैडम शॉट रेडी है, मैडम शॉट रेडी है, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैडम सुना ना, मैडम यहां तो कोई भी नहीं है। बाथरूम में होगी शायद। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मैडम अरे यहां तो कोई भी नहीं है, कहां चली गई? कहीं चली तो नहीं गई? सर सर, सुनैना मैडम कहीं नहीं मिल रही है सर, मैंने हर जगह देख लिया। क्या उनका सामान भी नहीं है कमरे में? वो कहीं चली तो नहीं गई? हो सकता है, वैसे भी कल तुम्हारी वजह से बहुत अपसेट थी वो। व्हाट करण, छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शूट छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बिन बताए कैसे जा सकती है? अब शूटिंग कैसे होगी हमारी? डोंट वरी करण, वो नहीं तो ना सही, कोई और रोल कर लेगा। और कौन? माया। करण, सुनैना का रोल अब माया करेगी। मैं कैसे? Come on, माया, it's okay. करण बहुत अच्छा डायरेक्टर है, और फिर ये तो पत्थरों से भी एक्टिंग निकाल लेते हैं। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। पर चित्रा, माया मेरी बात मानो, कल को मेरे पास डेट्स नहीं रहेंगी, फिर तुम्हारी शूट रुक जाएगी, नुकसान तुम्हारा ही है। ठीक है राजेंद्र, सुनैना के कॉस्ट्यूम दे दो इसे। ओके सर। ड्रेसमैन मैडम को कॉस्ट्यूम दे दो। बड़ी अजीब बात है, कल रात ही तो सुनैना मिली थी हमें, अब अचानक किस तरह गायब कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कि जरूर उस आत्मा ने कुछ किया होगा सुनैना के साथ। कहीं किसी आत्मा ने सुनैना को मार तो नहीं दिया ना? अगर ये काम वाकई उस बुढ़ी आत्मा का है तो फिर उसने सिर्फ सुनैना को क्यों मारा, किसी और को क्यों नहीं मारा? यार मुझे तो ये खूनी आत्मा लग रही है, आज सुनैना को मारा है, कल किसी और को मारेगी। पर इस हवेली में किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। एक काम करते हैं, सुनैना की लाश को ढूंढते, कम से कम हमें यकीन तो हो जाएगा कि ये काम उस बूढ़ी आत्मा का है, किसी और का नहीं। You're right. Let's go. और जब भी मैं खुद को दर्पण में, पता नहीं मैं ये रोल कर भी पाऊंगी या नहीं, मुझसे तो एक डायलॉग भी याद नहीं हो रहे हैं। एक बार और पढ़ती हूँ। और जब भी मैं खुद को इस दर्पण में देखती हूँ तो मुझे अपना चेहरा नहीं बल्कि चंद्रमा नजर आता है। हाँ, और जब भी मैं अपने आप को आईने में माया।
किसी ने मुझे आवाज दी? और जब भी मैं खुद को इस दर्पण, हाँ दर्पण, जब भी मैं कौन कौन है? शायद मैं ही बहुत नर्वस हो रही हूं इसलिए आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब भी मैं खुद को इस कौन है? कोई ना कोई तो जरूर है, मुझे पुकार रहा है। कौन है? कौन है? गिर गया। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं,